नमस्कार जी, हमारे साथ जतिन जी हैं। इनको कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बताएंगे जो इनके लिए अच्छी है, ये घर पे करेंगे। ये वीडियो इनके लिए भी है, ये मैं वीडियो उसी चीज की, उसी वर्कआउट की बनाती हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपको भी परेशानी है, जैसे ये इनका लोअर पोर्शन में इश्यूज है, इनको टांगों चलने में, स्पोर्ट के साथ चलते हैं, चलने में प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप की टांगों में परेशानी है, वीकनेस है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके लिए भी है। तो ये पूरा वर्कआउट जतिन जी के लिए भी है, आपके लिए भी है, अगर आपको इस वर्कआउट की जरूरत है। तो वीडियो उसी चीज की बनाती हूँ जो आप घर पे कर सके, जो आप वर्क घर पे नहीं कर सकते चीजें वो मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इनका बहुत सारा और भी थेरेपीज होती है, बट ये वो है जो ये घर पे करेंगे, ठीक है। जतिन जी, ये आपको करना है, ठीक है। बेसिकली आपको देखिए, ये जो उनके पैर हैं ये ऐसे क्रॉस में ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह से क्रॉस में हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि ये बाहर की साइड में नहीं अंदर की साइड में, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनके पैरों की शेप, तो देखिए शेप दिखाइए, ये देखिए अंदर की तरफ हो गई है, ठीक है, जबकि हमारे पैर इस तरह से होते हैं ना, ठीक है। इसके लिए ये बाहर की तरफ कुछ एक्सरसाइजेस है, ये इस तरह से, सॉरी लगा था, तो ये हमारे पास योगा बैट है, इसकी जगह आप कोई कपड़ा ऐसे बांध के भी यूज कर सकते हैं, वैसे इजी मिल जाती है, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये देखो मैंने यहाँ पे पैर में बांध लिया, ठीक है, ये बाहर की साइड पे ऐसे करके लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है, जहां तक ये पूरा आ जाएगा वहां पे ये पकड़ के होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये करके दिखाएंगे आपको, तो ये दूसरी वाली पैर इसके साथ ही आ जाती है, वो ना आ जाए इसके लिए हमने ये बीच में, जैसे ये तो हमने योगा मैट में पिल्लो लगा दिया, घर पे गोल पिल्लो अवेलेबल होते हैं वो आप ले सकते हैं, हमने ये बीच में लगा दिया इसको, ठीक है। चलो जतिन जी, ये देखो जतिन जी कर रहे हैं, हम साइड में, साइड में बेटा, साइड, हाँ इधर, ये साइड वाली है, आप ये हाथ नीचे रखोगे, इसको लपेट लो और हाँ साइड में लेके, हाँ गुड गुड, और आ रही है, है? जितना ज्यादा हो सके, जितना ये लेके आ गए, अब लग रहा है कि बस इससे ज्यादा मेरे से स्ट्रेच नहीं होगा, ये पूरा ये पैल्विक एरिया यहां से ये पूरा स्ट्रेच आ रहा है, वहां पे होल्ड करना है। आप 5, 10, 20 कितने भी गिन लो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो पता चलेगी कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये पूरे मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए है, ठीक है ना। ये इस तरह से, हाँ पूरा स्ट्रेच कर रखा है इन्होंने, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी वापस ले जाइए, इसी तरह से सेम दूसरे पैर में करेंगे, ठीक है। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए दूसरे पैर में सेम करना है, मैं बता देती हूँ, ठीक है जतिन जी, समझ गए ना। उसके बाद हम ये सीधा, अब ये साइड में करिए, अब ये सीधे वाले में करेंगे, ठीक है जतिन जी। अब ये ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अब ये इस तरह से ऊपर की तरफ, ये देखो मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो एक्सरसाइज है जो आप सेल्फ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, गुड। ये हम 5 तक कर पा रहे हैं, अगर आप 5 तक कर पा रहे हैं 10 दिन 5 कीजिए, फिर 10 तक ले जाइए, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ एक साइड में, एक ऊपर की तरफ हो गया, इसी तरह से सेम दूसरे पैर में भी करेंगे, ठीक है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, जतिन जी समझ गए ना, ये हमने साइड में की, इसको भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ की, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, ये देखिए योगा बैट को हमने इस तरह से दोनों पैरों में लगा लिया, ये देखिए, ठीक है। इसकी जगह अगर आपके पास नहीं है योगा बैट तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर आप कपड़ा घर में चुन्नी वगैरह से भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों हाथों से पकड़ लो, दोनों पैर है ना, अब अपने हिसाब से ये इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ करो, देखो इसको ऐसे, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे होल्ड करना है, ये कम होल्ड कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कम होल्ड कर पा रहे हो गुड, ये अच्छा करिए, अच्छा किया अभी पहले से, अच्छा किया, कम होल्ड कर पा रहे कोई बात नहीं, तो फिर ये 5 टाइम ऐसे करके उठा लो, 1, 2 ऐसे करके, हाँ ऐसे, तो जब ये होल्ड करने लग जाएंगे आप, तो वहां पे ऊपर इस तरह से उठाओ, इस तरह से उठा लिया, तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 10, 20 जैसे भी हो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे 1, 2 ऐसे 5 सिटिंग कर लेंगे आप, ठीक है, हो गई एक्सरसाइज, समझ गए ना, ठीक है ओके, छोड़ो इसको। अभी आपको अभी स्ट्रेचिंग करनी है, अभी इनका क्या इशू है, एक बार बैठी,
अभी क्या जतिन जी का इश्यू है, अगर ये ऐसे करके सीधे बैठते, अगर पैरों को सीधा करेंगे तो इनकी स्पाइन सीधी नहीं होगी, ठीक है। और पैर ऐसे अगर फोल्ड करके स्पाइन सीधी कीजिए, अब स्पाइन तब सीधी होगी जब इनके पैर फोल्ड हो जाएंगे, समझ गए ना। तो हमें स्पाइन भी सीधी चाहिए और इनके पैर भी ऐसे चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये आसन करा रहा है मैंने उसको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी इनकी स्पाइन सीधी है, सीधे से बैठे सीधे हो जाओ, ठीक है। अब पैर सीधे करो, हाँ गुड। जब ये पैर सीधे करते हैं तो यहाँ पे स्पाइन का इनको इश्यू हो जाता है, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, दीवार के साथ आ जाओ पीछे, हो जाओ क्या ये एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो करने के लिए दीवार के साथ लग जाएगी, हाँ और हो जाओ एकदम दीवार के साथ। अब देखो दीवार के साथ ये सीधे हो गए बिल्कुल, थोड़ा सा और हो जाओ, हाँ ये कम करो, ये जो गैप है उसको कम करो, हाँ ये बिल्कुल दीवार के साथ लग गए हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप ऐसे कोशिश करो जैसे कि हम दोनों बैठे हुए हैं ना, आप बेशक एक एक पैर ऐसे कर लो क्योंकि वो आपको इजी हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। एक पैर इन्होंने ऐसे कर लिया, एक सीधा इससे ये लो इस पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वेट डालो, ठीक है। इसको करना ये है, ठीक है। अभी कितना कर पाते ये देखते हैं, ठीक है। ये पैर की स्ट्रेचिंग के लिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका वर्कआउट है। तो अभी फिर हम इसकी हेल्प लेंगे क्योंकि आप यहाँ पहुंच पा रहे हो, देखो ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ये लगा देंगे, ये आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो, ठीक है। ये अब एक हाथ यहीं पे जोर से रखो, ये हाथ यहाँ पे इसलिए रखा ताकि घुटना ना उठ जाए, ठीक है। अब ये भी सीधी करो, ठीक है ना, आगे आओ थोड़ा सा सीधा आगे, दोनों चीजें अगर आप इसको हटाओगे इसको पकड़ोगे तो कर लोगे सही कर पा रहे, ठीक है। हाँ वो आप देखिएगा, यहाँ पे आप काउंट करेंगे। अब आप सीधा ये करो बैक सीधी, हाँ ये देखो अब दोनों चीजें ठीक है, ठीक है, ये करना है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है पैलविक पे, है ना, ये पूरी टांग पे यहाँ पूरा स्ट्रेच आ रहा है बहुत अच्छे से, ये दोनों साइडों से करनी है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, ये आप खुद भी डालोगे ना, है ना, अपने आप डालोगे ना, ठीक सीधा करो, हाँ जितना सीधा हो सके उतना करो, ये ऐसा चलो। अभी बैक भी सीधी करो, हाँ जैसे देखो ये देखो ऐसे करके करना है ना, ठीक है, नहीं हो पा इसको स्ट्रेच करो, ये पूरी बैक भी सीधी और इसको भी स्ट्रेच करो अच्छे से, ये उठ रहा है ना, चलो मैं कर रहा हूँ, हाँ आओ आगे थोड़ा सा आगे, हाँ गुड गुड गुड, बस ये हल्का सा जब हो रहा है ना आगे, है ना, ये आप हेल्प के साथ करोगे। एक्चुअली क्या करना है, ये ऐसे करके करना है, ठीक है, ऐसे जैसे भी ऐसे करना है, ये पूरी यहाँ की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। आप धीरे धीरे जब करोगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके अभी हमने क्या किया है, ये यहाँ पे घुटने, क्योंकि ये जब ये वाला करते हैं तो ये ऐसे पैर खुल जाते हैं ना, तो हमने यहाँ पे योगा बैट बांध दिया है, ठीक है। घर में आप ये इस तरह से बांध के घुटनों से जस्ट थोड़ा सा नीचे अब ये कर पाएंगे स्ट्रेच, करो, हाँ गुड, ये देखो कहां तक, यहां तक। अब तो फिर आप यहां से ही पकड़ लो, ये पैर अपने पकड़ लो, ये पकड़ लो, पकड़ लिया, स्ट्रेच आ रहा है ना अच्छा खासा, ये तो बैक पे ये पूरा नीचे ये टांगों पे घुटनों के नीचे स्ट्रेच अच्छा खासा आ रहा है, हमें मसल्स को स्ट्रांग करना है, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 10-20 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, ये देखो धीरे धीरे आप ये देखिएगा अब यहाँ से पकड़ पा रहे हैं, अब तुम भी देखना, ठीक है, ये यहाँ से भी पकड़ पाएंगे जैसे हम कर पाते हैं ना, यहाँ से भी कर पाएंगे, ये गुड। यहाँ पे होल्ड करना है ये गर्दन नीचे इस तरह से, अब ये देखिए रिलैक्स हो जाओ, ये बांधा है तो हेल्प होगी, है ना। तो ये कुछ वर्कआउट है जो जतिन जी करेंगे, अगर आपको परेशानी है पैरों में वीकनेस है टांगे कांपती किसी तरह की परेशानी है तो आप भी कर सकते हैं।